कैसा चावल है? स्कूल का राशन है। हाँ, मतलब ऐसा क्यों रखा है यहाँ पर? ऐसा रखा गया है कि ये चावल बेचने के लिए तीन औरत गए थे, तीन बोरा में लेके। जी। एक औरत टेम्पू रुकवा कर टेम्पू में लेके भाग गया। जी। दूसरा औरत, हम जब अपने गेट से निकले ड्यूटी करते, हम जा रहे थे घर से खाना खाकर, जब हम अंदर गए तो देखे कि ये दो औरत फिर लैट्रिन रूम से लेकर निकल रही है चावल। जी। फिर भी हम चुपचाप आराम से रोड पकड़ के आ रहे थे। जी। आने के बाद जब हमको ये लोग देखा तो रहर के खेत में बैठ गया। जी। हम दोनों बोला जाते लाए रहर के खेत में, ये लोग बैठ गया। आई लोग सोचा कि ये जा रहा है अपने घर के लिए, लेकिन हम इनको पकड़ने के लिए आ रहे थे। यहाँ सुधीर परसमान अपने घर के सामने बैठा था, हम दौड़ के आए तो नज़दीक हो गए, उधर इन लोग के तरफ भी देख रहे हैं और पीछे भी देख रहे हैं। आके आवाज़ दिया तो दो लड़का वहाँ खड़ा था, वो लोग नहीं निकला, दौड़ के और आगे बढ़ा तो सुधीर दिखाई दे दिया, उसको आवाज़ दिया तो चल दिया। फिर हम पीछे घूम के गया तो ये लोग रहर के खेत में से दोनों बोरा उठाकर गेहूं के खेत में रख दिया। उसके बाद फिर भी ये लोग उसी जगह बैठे थे। बैठने के बाद पहुंच गया हम लोग तीन चार आदमी वहाँ, बोला कि ये चावल का बोरा कहाँ जा रहा है? हाँ, तब कोई दोनों औरत में कोई नहीं आवाज़ दिया, एक तो भाग के आ गया, एक पकड़ा गया स्पॉट में। अच्छा, हम एक लड़का बोरा उठा लिया, दूसरा बोला कि तुम भी उठा लो, हम कहे नहीं, यही औरत उठाएगी जो कि लेके आई है। उसी औरत से बोरा उठवा कर कुछ दूर लेके गया, फिर लोग अपने हाथ में बोरा टांग लिया। हमने फ़ोन किया मीडिया वाले को, दूसरे के मोबाइल से फोन कराया, वो बोला मास्टर के हम फोन कर रहे हैं, चावल वहीं रखिए, आप लोग चावल वहीं रखे थे। उन्होंने मास्टर के फोन किया स्कूल से, मास्टर लोग निकल के स्कूल के तरफ ताके, हम लोग का हाथ मार के बोला। अभी आप यहाँ जो चावल रखे हैं पांडे, ये कौन सा स्कूल है? स्कूल का उसके मध्य विद्यालय मल्हार। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं आप? स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं? आपसे पूछ रहे हैं, स्कूल से प्रधानाध्यापक हैं? जी हाँ हाँ। आपके स्कूल के रसोईया द्वारा चावल ले जाते बेचने के क्रम में ले जा रही थी, पकड़ा गए, ग्रामीणों ने पकड़ा, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे स्कूल के रसोईया ने को पकड़ा गया चावल, लेकिन हमको इस बात की जानकारी नहीं थी। हम जो है उस चावल को हम यहाँ चावल देते हैं, खाना बनाते समय हम जाते हैं, खाना चलता है तो बच्चों खुद खिलाते हैं हमें, लेकिन कब का वो चावल रखी थी हमको ही पता नहीं। तो अभी पकड़ा गए? पकड़ा गए तो हम नहीं रखेंगे, ऐसे रस्सी हमको नहीं चाहिए, हम चावल के दिन हिसाब देते हैं। आप हिसाब देते हैं? क्या हिसाब? लेकिन इसका जिम्मेवार कौन? चावल को बेचा जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार हम हैं।